Today we are going to start our new chapter from our snapshot book, that is chapter number five, Mother's Day, written by J B Priestley. Very interesting chapter it is, and it is a play that tells us how is the status of a mother in a family. That what is the status of a mother in her family, and how her family member treats her, and what happens when the mother stands up for her own rights. वो जब अपने खुद के राइट्स के लिए खड़ी होती हैं आवाज़ उठाती हैं देन वॉट हैपन्स ठीक है सो इन दिस प्ले आर राइटर जे बी पिस्ली वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट हाउ वी टेक आर मदर फॉर ग्रांटेड कि कैसे हम लोग अपनी मदर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनके उनको ऑर्डर्स देते रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं मम्मा मेरा ये कहाँ है मम्मी ये करा नहीं आपने आपने ये नहीं करा तो कैसे हम लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और एक मदर का स्टेटस होता क्या है उसकी फैमिली के अंदर और फैमिली मेम्बर्स उनको कैसे ट्रीट करते हैं कोई हॉलीडे नहीं कोई वेजेस नहीं मिलते उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है उनको और सारा टाइम वो काम करती हैं बिना किसी Uh, किसी को कुछ कहे बिना किसी शिकायत के ठीक है तो इस मैसेज के थ्रू हम लोग रीड करेंगे एक एक मदर के बारे में जिनका नाम है एनी पर्सन और वो कैसे उनकी फैमिली उनको कैसे ट्रीट करती है और फिर जब वो खड़ी होती हैं अपनी राइट्स के लिए तब उनकी फैमिली मेम्बर्स का क्या थिंकिंग चेंज होती है और वो क्या करते हैं ओके okay, बेटे द लेटस बिगिन दिस प्ले सो दिस द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोट्री एंड ऑफ द स्टेटस ऑफ अ मदर इन हर फैमिली लेट्स रिटर्न टू सी हाउ मिसिज प्योरसन फैमिली रिएक्ट वेन वैन शी ट्राइज टू स्टैंड अपार अर ओन राइट्स कि कैसे मिसिज प्योरसन की फैमिली रिएक्ट करती है जब वो खुद की राइट्स के लिए वो अपने खुद का स्टैंड लेती है जब वो अपने राइट्स के बारे में बात करती है तो सो लेटस बिगिन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस डिसकस द मेन करेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिज एनी प्यर्सन जो कि मदर हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात हुई है मिसेज एनी पियर्सन जॉर्ज पियर्सन इनके हस्बैंड एंड डोरिस पियर्सन इनकी डॉटर सिरिल पियर्सन इनके सन एंड मिसेज फिट्जर इनकी नेबर एंड अ फॉर्चून टेलर आल्सो जो भाग्य बताती हैं ठीक है सो दीज आर द मेन करेक्टर्स ऑफ दिस प्ले नाउ लेट अस बिगिन दिस प्ले Yes, the action takes place in the living room of Pearson's house in a London suburb. Time the present. So the scene is of the living room of Pearson's house. Uh, it is this. It is here. ये living room है. तो scene कहाँ पे set हुआ है बच्चे? Uh, Mrs. Pearson के घर में living room में ये scene हो रहा है, action हो रहा है. और उनका घर एक London के suburb area में है. And present time चल रहा है. तो देखते हैं क्या हुआ? Yes. The living room of Pearson family, afternoon. It is a comfortably furnished, furnished, much lived in room in a small suburban area, detached villa. So, living room ki baat hai, Pearson ki family, ki, afternoon ka time, and living room hai, wo, that is comfortably furnished. Se furnished hai. Much lived in room it means that uh, the things. That is present in that particular room are uh, well used and old things. Okay? Much lived in kafki used, chuki hai, worn out ho chuki hai, old ho chuki hai, wo things jo us living room mein available. Hai. Aage hai. Yes. Uh it if necessary, only one door need to be used, but it is better with two. One up left leading to the front door and the stairs, and the other is in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall top the fireplace is assumed to be in the assume to be in the sone ke room ki baat ho rahi hai bachche bataya gaya hai ki kya hai bhai अगर मतलब necessary तो अगर ज़रूरत पड़े तो वह सिर्फ एक ही room की, जरूर, की जरूरत एक ही door की ज़रूरत होती है लेकिन अगर two doors हो तो better है एक कौन सा डोर वन आप लेफ्ट जो कि कहाँ की तरफ लीड करता है फ्रंट डोर की तरफ और साइड से मतलब उनके स्टेयर्स जो जा रही हैं और दूसरा वो राइट right वॉल की तरफ दैट इज लीडिंग टू द किचन एंड बैक डोर ठीक है तो वो मतलब आपको बता रहे हैं कि क्या क्या है अगर इफ़ यू वॉन्ट टू दिस दिस प्ले ऑन द स्टेज तो आपको कैसे कैसे सेटिंग करनी है वो उन्होंने यहाँ पे हमारे ऑथर ने बताया हुआ है कि क्या क्या वहाँ पे मतलब कैसे कैसे वहाँ की आ, पूरा अपियरेंस कैसे घर का था वो बता रहे हैं ठीक है एंड देयर कैन बी अ असलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू और एक मसलिन कवर्ड विंडो मतलब कर्टन्स बिल्कुल मसलिन कवर्ड मतलब बिल्कुल थिन कॉटन फैब्रिक के कर्टन्स जो कि कहाँ पे होंगी लेफ्ट विंडो की वॉल पे और पॉसिबली एक राइट uh, विंडो right की वॉल पे भी एंड द फायर प्लेस इज यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल और जो फायर प्लेस है वो कहाँ पे है फोर्थ वॉल में वो फायर प्लेस आगे देखते हैं देर इज अ ही अप राइट और एक सेटी पड़ी हुई है राइट right साइड पे एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट एक सेटी पड़ी हुई है यू कैन से स्मॉल स्टूल जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है एंड एक आर्म चेयर है और लेफ्ट uh, साइड पे और एक राइट right साइड पे रखी हुई है अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स एक छोटी टेबल जिसके साथ टू चेयर्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टैंड एट देंटर सेंटर में क्या है टेबल चेयर वो रखा हुआ है स्मॉल टेबल और दोनों की इधर साइड में क्या है चेयर्स रखी हुई हैं ओके बेटे आगे देखते हैं वेन द कर्टन राइजेस इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल एंड द स्टेज कैन बी वेल लेट अब भाई जब कर्टन राइज होते हैं मैंने आपको बताया कि जब आप इस इस प्ले को स्टेज पे करोगे तो एकदम से ये प्ले एक स्टेज के ऊपर ही वो हमें उथर एक बार पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे ही कर्टन राइज होते हैं आफ्टरनून का टाइम है अर्ली ऑटम चल रहा है और जो स्टेज है दैट कैन बी वेल लिट वो अच्छे से वेल well लिट होना चाहिए पूरा लाइटिंग के साथ क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है डे टाइम है एंड मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फटज एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसेज एंड द कार्ड्स विद मिसेस का हैज बीन टेलिंग मिसेस प्यरसन फॉर्च्यून अब भाई क्या है सेटिंग में हमने देखा जैसे ही कर्टन राइज हुए पूरा स्टेज वेल लेट है और मिसेस पियर्सन राइट साइड पे बैठी हुई हैं और मिसेस फटज लेफ्ट साइड पे बैठी हुई हैं एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं और बीच में एक स्मॉल टेबल है एंड दोनों के वहाँ पे क्या रखा हुआ है स्मॉल टेबल के ऊपर कप टी कप्स रखे हुए हैं ठीक है थीके? और कार्ड्स हैं किसके पास मिसेज फटजराल के पास जो कि वो कार्ड्स देखे मिसेज पेयरसन का फॉर्चून बता रही हैं कौन मिसेज फटजराल मैंने अभी आपको बताया मिसेज़ फटजाल कौन है एक फॉर्चून टेलर है भाग्य बताती हैं कार्ड्स को पढ़ के ठीक है तो मिसेस फेडरॉल्ड एक फॉर्चून टेलर है तो उनके हाथ में कार्ड्स हैं और वो किसका फॉर्च्यून बता रही हैं मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही हैं ओके आगे देखते हैं यस <coughs> yes. मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वर्ड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज यहाँ पे हमें मिसेस पियर्सन के बारे में बताया गया है बहुत ही अच्छी लेडी प्लीजेंट हैप्पी मतलब थोड़ी सी uh, खुश थोड़ी रहने वाली लेकिन हल्का फुल्का उनके फेस में ना एक वरिड लुक है आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है तो हेयर शी इज़ ये है हमारी मिसेस पेयरसन एंड शी इज मिसेस फिटरऑल थोड़ी सी प्लीजेंट और वरिड लुकिंग इनके फेस पे थोड़ा सा वरिड चिंतित वाला कुछ एक्सप्रेशन आया हुआ है देखते हैं क्या आगे कहा वो अपनी फोर्टीज़ में उनकी एज है ठीक है और आगे अगर फिट्जर की बात करें वो ओल्डर हैं कंपैरेटिवली किसके कंपैरेटिवली हमारी पियर्सन के कंपैरेटिवली हैवियर हैं एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनेस्टर पर्सनैलिटी नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिनेस्टर इट मीन्स हैविंग अ क्वालिटीज हैविंग क्वालिटीज तो जो मिसेस फटजरॉल्ड हैं वो ओल्डर हैं उनसे मिसेस पियर्सन से थोड़ी हैवियर हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग और कुछ ईविल क्वालिटीज़ उनकी पर्सनालिटी में दिखाई देती हैं शी स्मोकिंग और वो क्या कर रही हैं स्मोक कर रही हैं कौन मिसेस फटजरॉल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस मिसिज पियर्सन स्पीकिंग इन लाइट

ईस्ट लंडन एक्सेंट है उनकी टोन में उनका एक्सेंट कहाँ का है ईस्ट लंडन से मैच होता है और मिसेस फटज की बात करें अगर हम दूसरी साइड तो उनकी आवाज़ थोड़ी डीप है और उनका जो एक्सेंट है वो क्या है आयरिश एक्सेंट उनका है ओके बेटे आगे देखते हैं मिसेस फटजरॉल अब यहाँ से हमारा मेन प्ले शुरू हो रहा है ठीक है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी सेटिंग की गई है पूरे स्टेज पे कि कैसे सेटिंग करनी है कैसे वो पूरा ड्रामा सेट हुआ है आपको मैंने बताया कि कौन कौन से करेक्टर्स हमने इसमें बात करेंगे हम लोग मिसेस एनी प्योरसन जो कि मदर हैं जिनके बारे में जिसके अराउंड ये पूरा ड्रामा रिवॉल्व कर रहा है देन जॉर्ज प्यर्सन जो कि एनी प्योर्सन के हस्बैंड है डॉरिस एंड सेरल उनके डॉटर और उनके सन एंड मिसेस फटजॉल जो कि उनकी नेबर कम फोर्च्यून टेलर है ठीक है अब आगे हम लोग प्रे को कॉन्टिन्यू करते हैं मिसिज फटजराल कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसिज पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्चून कुड बी अ बैड फॉर्चून ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज अब मिसिज फटजल अपने कार्ड्स को कलेक्ट करती हुई क्या कहती है यही सब कुछ मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ ठीक है तुम्हारा फॉर्चून अच्छा भी हो सकता है और तुम्हारा भाग्य बुरा भी हो सकता है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन कह रहा है मिसेस फटजराल बोल रही है किसको मिसेस पियर्सन को तो तुम अपना माइंड माइंड मेकअप कर लो और फिर सब कुछ अच्छा होगा तुम देखना देन इस पर हमारी मिसेज पियर्सन क्या रिप्लाई करती है येस थैंक यू मिसेज फटजराल आई एम मच ओबलाइज एंड आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियर फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट स्टोर डिड यू लर्न दैट टू आउट ईस्ट टू अब मिसेस प्यरसन कहती हैं हाँ थैंक यू मिसेस फट्रॉल और मुझे बहुत ही खुशी है मैं ओब्लाइज फील फील करती हूँ कि एक इतनी अच्छी फॉर्चून टेलर हमारे नेक्स्ट डोर पर ही रहती है मतलब हमारी नेबर है तो आगे मिसेस फट्रॉल से पूछती है क्या तुमने भी ये जो uh, भाग्य पढ़ना कहाँ से सीखा ईस्ट से सीखा क्या ईस्ट लंडन से तुमने ये सब सीखा क्या अब इस पर देखते हैं मिसेस फटज क्या yes, said, yes, कहते हैं यस मिसेस फटज सेड यस आई डिड ट्वेल्व ईयर्स आई हैड ऑफ इट विद माय ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर ही लर्न लॉट एंड आई लर्न लॉट मोर वो कहती है हाँ मैंने ईस्ट से ही सीखा है ये और मुझे बारह साल मतलब मैंने ट्वेल्व ईयर्स वहाँ पर स्पेंड किए हैं और मेरे जो ओल्ड मैन ओल्ड मैन कौन यहाँ पे उनके हस्बैंड वो भी वो भी एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बने थे वो सब सीख के और मैंने उनसे कुछ उन्होंने जितना सीखा मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही सीखा वहाँ से बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर पुट योर फूड डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिसट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द वॉस ऑफ योर फैमिली नाउ वॉट मिसेज पिटचर एंड इज सेंग टू मिसेज पियर्सन शी इज एडवाइजिंग हर दैट डियर मेकअप योर माइंड कि अपना माइंड एक बार सेट कर लो मिसज पियर्सन पुट युड डाउन पुट युड डाउन मतलब बी फर्म एक बार फर्म हो जाओ अपने डिसीजन में और फिर तुम अपने ही घर की क्या बन जाओगी मिस्ट्रेस बन जाओगी और तुम अपनी फैमिली को खुद से क्या करोगी बॉस करोगी तुम सबको क्या दोगी ऑर्डर्स दोगी और वो सब तुम्हारे ऑर्डर्स सुनेंगे नाउ दिस इज द एडवाइस ऑफ मिसर्स फटजाल्ड हु इज द फॉर्चून टेलर एंड हु इज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू मिसेज पेर्सन दैट हाउ ही शुड मैनेज हर ओन हाउस क्लियर हो गई बच्चे बात आगे देखते हैं मिसिज पेयरसन स्माइलिंग एपोलॉजेटिकली दैट्स ईजियर्स सेट देन डन बिसाइड आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट मीन टू बी अब वो थोड़ी सी अपोलॉजेटिकली मतलब थोड़ा सा उसको सॉरी फील हो रहा है मिसिज प्यर्सन को और क्या कह रही है कह रही है कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है और इस मैं ही सिर्फ उनकी फ़ोन्ड नहीं हो चुकी मतलब मैं ही उनकी सिर्फ एक टू नहीं हो चुकी हूँ इवन चाहे वो जैसे भी हैं वो चाहे थॉटलेस हैं सेल्फिश हैं मतलब मैं उनसे इतना ज़्यादा फॉन्ड हो चुकी हूँ उनकी इतनी ज़्यादा आदि हो चुकी हूँ उनके इंस्ट्रक्शन सुनने की उनके ऑर्डर सुनने की कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती दे डोंट मीन टू बी और उनका एक्चुअल में मकसद ये नहीं होता मुझे हर्ट करना अभी वो आगे कॉन्टिन्यू कर ही रही होती है इतनी देर में मिसेज वजर उसकी बात को कट कर देती है बीच में कटेंगे मे बी नोट हाँ वो नहीं हो सकते मीन माना कि उनका ये इरादा नहीं हो सकता बट दे वुड बी इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा कि अगर वो सीख ले कि तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना है तुम्हारे साथ तुम्हें कैसे ट्रीट करना है तो ये उनके लिए अच्छा होगा अगर वो ये सब सीख ले तो क्लियर होगी बच्चे बात आगे देखते हैं मिसिज पियर्सन यस आई सपोज इट वुड इन अ वे हाँ मैं भी मानती हूँ अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा मिसेस फॉल नो डाउट अबाउट इट एट ऑल हु इज द बेटर फॉर being स्पॉइल्ड grown मैन lad और गर्ल Nobody. Now नाउ मिसेज फर्डरॉल्ड इज सेंग टू मिसेस पियर्सन कहती है इसमें कोई डाउट नहीं है अब तुम ये देखो ना कि हु इज द बेटर फॉर being स्पॉइल्ड मतलब सब लोग ही तो स्पॉइल्ड है तुम्हारे घर में कौन कौन जो जिसको जो भी spoiled हुए हुए हैं वो ग्रोन मैन तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा लड़का और तुम्हारी गर्ल इसके लिए क्या किसके ऊपर इसका किस ब्लेम किसके ऊपर डालेंगे तुम्हारे ही तो रीज़न है तुमने ही तो उनको इतनी डील दे रखी है जिसकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तुम्हारे घर में और इतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कोई नहीं है इसके पीछे सिर्फ तुम्हारा ही तुम ही हो इसके पीछे यू डोंट थिंक दैट इट डजन सॉरी येस यू थिंक दैट इट डज देम गुड वैन यू टेक वैन यू रन आफ्टर देम एंड ऑल द टाइम टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट्स इन द हाउस स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इन्जॉइंग दैम सेल्व तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके साथ अच्छा कर रही हो ये जो तुम हमेशा उनके पीछे पीछे भागती रहती हो हर टाइम उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो एक सर्वेंट की तरह घर में तुम भागती हो और हर टाइम घर पे रहती हो हर रात को तुम घर पे ही रहती हो जबकि वो बाहर एंजॉय करते रहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है तुम ये अच्छा कर रही हो उनके साथ नेवर इन ऑल योर लाइफ कभी भी नहीं तुम उनके साथ कभी भी नहीं तुमने ये बिल्कुल बेकार किया है और तुम हमेशा अपने घर पे रहती हो हर रात तुम अपने घर पे स्पेंड करती हो कभी पार्टीज़ में नहीं जाती पूरी लाइफ तुमने अपनी पूरी की पूरी लाइफ इसी में ही वेस्ट कर दी है इट्स द रोइन ऑफ देम एज़ वेल एज यू इससे तुम्हारा भी क्या हो रहा है तुम अपने आप को भी रोइन कर रही हो और उनको भी कर रही हो हस्बैंड्स सन्स डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ मदर्स नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक दर्ड हस्बैंड को सन्स को डॉटर्स को अपनी वाइफ्स के अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए ये नहीं कि उनको हर टाइम ऑर्डर्स देना चाहिए और ये नहीं कि उनको घर की डर्ट समझनी चाहिए एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी अब मुझे ये मत कहना कि भाई मैं क्या कह रही हूँ मैं गलत कह रही हूँ मैं तुमसे तुम्हारे को ज़्यादा जानती हूँ कि तुम्हारे साथ घर में क्या होता है क्लियर हो गई बात आगे देखते हैं मिसिज पियरसन डेबियसली आई आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट अब मिसेस पियर्सन इस पर क्या कहती है अब भाई उसको पता चल गया कि भाई मिसेस फिटजरॉल्ड को पता है कि मेरे साथ घर में क्या क्या होता है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग स्टेट में थोड़ी सी डाउटफुली और थोड़ी सी हेजिटेट होते हुए बोलती है आय आई रुकते हुए मैं उनको हिंट हमेशा ड्रॉप करती रहती हूँ कि भाई मतलब हिंट देती रहती हूँ कि भाई मुझे भी बुरा लग रहा है मिसेस फिटजरॉल्ड हिंट हिंट देती हो तुम इट्स मोर देन हिंट योर फैमिली नीड्स तुम्हारी फैमिली को हिंट्स की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कुछ चाहिए उनको मिसेस पियर्सन ध्यान दो तुम ध्यान दो मिसेस पियर्सन फिर से थोड़ी सी कंफ्यूज होती हुई थोड़ी सी डाउटफुल होती हुई क्या बोलती है आई सपोज इट इज बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस कहती है हाँ मैं मानती हूँ ये चीज़ बट मुझे ऐसी अनप्लीजेंटनेस घर के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एंड एंड इट्स सो हार्ड एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट और ये बहुत ही मुश्किल है ये मानना कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ कैसे उनको चेंज करूँ आई कीप मेकिंग इन अप इन माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन मैं हमेशा अपने माइंड में ये बना के रखती हूँ अपने माइंड में प्लान्स करती हूँ कि कैसे करूँ मैं लेकिन कभी भी शुरू नहीं कर पाती शी ग्लेंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लोक ओ गोड ग्रेशियस लुक एट द टाइम नथिंग रेडी एंड दे विल भी होम एनी मिनट एंड प्रोपेबली ऑल इन हरी टू गो आउट अगेन अब क्या करती है वो ये बोलते बोलते उसकी ध्यान कहाँ जाता है उसका ध्यान वॉच पे जाता है या क्लॉक पे अपनी वॉच पे या फिर वो जो क्लॉक वहाँ पे वॉल पे टंगी होती है उस पर जाता है और एकदम से कहती है ओ माय गॉड कितना टाइम हो गया कुछ भी अभी रेडी नहीं किया मैंने मील रेडी नहीं करी है और वो कभी भी घर पे आते होंगे और वापस से उनको बाहर जाने की भी जल्दी होगी तो मुझे जल्दी से उठ के क्या तैयार करना होगा खाना तैयार करना होगा उनके लिए

उनको खुद से एक बार करने दो दिस इज वेयर यहाँ से तुम स्टार्ट करो तो मैं कह रही थी ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बिगिन कहाँ से करूँ तो यहाँ से बिगिन करो तुम अपना ये काम ठीक है दिस इज वेयर योर फूड गोज डाउन का मतलब है यहाँ से तुम अब अपने आपको स्टेप करना शुरू करो उनके काम को करना बंद करो और अब शुरुआत कर दो तुम स्टार्ट कर दो और फिर वो अपनी सिगर एक और जलाती है अभी अभी उसने एक ख़त्म करी है उसी से ही वो नेक्स्ट सिगरेट अपनी जला लेती है तो इट मीन्स दैट शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती है मिसेस फटराल आगे देखते हैं मिसेस पियर्सन आई एम बैरस्ड आई नो यू मीन वेल इनफैक्ट आई अग्री विद यू बट आई जस्ट कैंट एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी अब मिसेज़ प्यर्सन थोड़ी से अम्बारस होकर मिसेज फटराल को बोलती है मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अच्छा चाहती हो मैं अग्री करती हूँ तुम्हारी इस बात से बट आई जस्ट कैंट मैं लेकिन नहीं कर सकती ऐसा जो तो तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो इफ़ आई प्रोमिस यू वुड यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम आई नो आई वोट बी एबल टू कीप माई प्रॉमस अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करूँ भी सही कि भाई मैं ये करूँगी आई रियली हैव इट आउट विद दैम मैं उनके साथ ऐसा बिहेव करूंगी मुझे पता है अंदर से कि भाई मैं तुम्हारा प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगी मैं आज तुम्हें प्रॉमिस कर तो दूँ कि भाई मैं करूँगी उनके साथ ऐसा लेकिन मुझे पता है अंदर से मैं ये प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं कर सकती मिसेस फिजरॉल देन लेट मी डू इट अब मिसेस फिटजरॉल इस पर क्या कहती है ठीक है तो तुम नहीं कर सकती तो मुझे करने दो ठीक है तो अब वो उसको कह रही है कि चलो तुम नहीं कर पा रही ना अपनी फैमिली को हैंडल तो मुझे करने दो भाई कितनी अजीब लेडी है वो उसे कह रही है कि ठीक है तुमसे नहीं होता ना तो मैं करती हूँ मैं करके दिखाती हूँ तुम्हारी फैमिली को सीधा अब देखते हैं मिसेस फ्यरसन इस पर क्या कहती हैं फ्लस्टर्ड ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फटरऑल बट दैट वुडेंट डू एट ऑल इट कुडेंट पॉसिबली बी समबडी एल्स दे वुड रिसेंट इट एट वॉन्स एंड लिसन एंड रियली आई कुडेंट ब्लेम देम अब कहती है नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच लेकिन मैं ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता मतलब ये सही नहीं होगा फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़ होते हुए नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इनफैक्ट ये पॉसिबल नहीं है किसी और की तरह एक्ट करना मतलब किसी और की जगह लेना ठीक है और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इसके ऊपर एग्री नहीं होंगे मानेंगे नहीं और इनफैक्ट वो सुनेंगे भी नहीं और मैं उनको इस चीज़ पे ब्लेम भी नहीं कर सकती नेचुरल सी बात है यार अगर कोई किसी की जगह लेने की कोशिश करेगा कि तुम हटो मैं तुम्हारी फैमिली को टैकल करती हूँ मैं तुम्हारी फैमिली से जाके बात करती हूँ तो ये चीज़ ठीक नहीं है आई नो आउ आई ऑट टू डू इट मुझे पता है कि मुझे ये करना चाहिए बट यू सी हाउ इट इज़ लेकिन तुम देख ही रही हो कि कैसे है मैं नहीं कर पाऊँगी ये चीज़ मेरी फैमिली को एकदम से छोड़ देना नहीं हो पाएगा मुझसे शी लुक्स across अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग miserably. मिजरेबली फिर से वो सॉरी फील करते हुए उसको देखती है और बड़ी ही सैडली स्माइल करती है क्लियर हो गई बात आगे देखती है मिस फिटरॉल कूली यू हैवन गॉट द आइडिया अब मिसिज़ फेटजराल्ड कहती है नहीं नहीं तुमने गलत ले लिया जो मैंने कहा मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि भाई मैं उनसे बात करूँगी ये मतलब नहीं था मिसेस पियर्सन बिविलडर थोड़ी सी कन्फ्यूज़ uh, होते हुए हैरान परेशान होते हुए कहती है ओ आई एम सॉरी आई थॉट यू आज मी टू लेट यू डू इट ओ मुझे माफ़ करना मुझे लगा कि तुम ये कह रही हो कि मैं बात करूँगी तुम्हारी फैमिली से मुझे ये लगा आप लोगों को भी यही लगा मिसेस फेटजराल्ड क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी फैमिली से बात करूंगी लेकिन उसका कहने का मतलब कुछ और था हम देखते हैं कि उसका कहने का मतलब क्या था यस यस बेटे मिसेस पियर्सन मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडेंट सॉरी सॉरी एक लाइन मिस हो गई हमारी <coughs> येस yes. जब मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे लगा कि तुम ये कह रही हो कि भाई मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगी मुझे ये लगा मिसिज फिटचरऑल कहती है आई डेड बट नॉट एज मी एज यू कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगी लेकिन मैं मैं बन के नहीं मैं तुम बन के यानी कि मिसिज फिटचरॉल क्या कह रही हैं कि मैं मिसिज पियर्सन बन तुम्हारी फैमिली से बात करूँगी अब देखते हैं कि उसका ये कहने का मतलब क्या था मिसिज पेयरसन जस्ट एज यू आर कन्फ्यूज सिमिलरली मिसिज पेयरसन वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज दैट इसका ये कहने का मतलब क्या है बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडेंट बी मी अब वो कहती है मेरे को समझ नहीं आया कि तुम मैं कैसे बन सकती हो तुम मिसेस प्यरसन कैसे बन सकती हो मिसेस फटजरॉल कूली वो चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज यू लुक लाइक मी एंड आई लुक लाइक यू अब वो क्या कहती है कहती है हम अपनी जगहें चेंज करेंगे ठीक है और रियली अपनी बॉडीज चेंज करेंगे तुम मेरे जैसी दिखोगी और मैं तुम्हारे जैसी यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं चेंज आएगा जिसमें क्या होगा मिसेस पियर्सन मिसेस फिटजरल्ड बन जाएंगी और मिसेस फटजरॉल्ड मिसेस पियर्सन बन जाएंगी उनकी जो सोल्स हैं वो क्या हो जाएंगी इंटरचेंज क्यों क्योंकि मिसेस पियर्सन को जादू आता था वो फॉर्च्यून टेलर थी और उसने ये सब सीखा हुआ था तो यहाँ पे अब वो क्या करेगी यहाँ पे अपनी मतलब बॉडीज़ दोनों की वही सेम रहेंगी लेकिन दोनों की जो सोल्स हैं वो क्या हो जाएंगी इंटरचेंज हो जाएंगी तब देखेंगे कि प्ले में एक इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आ, शुरू हो जाएगा कि कैसे वो उसकी फैमिली को ट्रीट करती है ओके okay? देखते हैं मिसेस पियर्सन बट दैट्स एम्पॉसिबल मिसिज फटरॉल हाउ डू यू नो एवर ट्राइड इट और मिसेस पियर्सन कहती है लेकिन ये इम्पॉसिबल है मिसेज फेडजरॉल्ड कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये इम्पॉसिबल है क्या तुमने कभी ट्राई किया है ये मिसेस पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट नहीं 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 किया मिसेज फेडजरल्ड बड़ी कूली आई हैव मैंने किया है नोट मोर फॉर सम नोट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल ओट टू वर्क वाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेकिन ये काम करता है थोड़ा टाइम तक ये रहता है लेकिन ये काम करता है वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू तो ज़्यादा टाइम तो ये नहीं रहेगा लेकिन उतना टाइम रहेगा हम कि हमारा काम हो जाए इसमें से मतलब इतनी देर इतनी देर लगाऊंगी मैं इसमें मतलब इतनी देर तक ये ड्रामा चल जाएगा कि इतनी देर में मैं तुम्हारी फैमिली को सुधार दूंगी लर्न लर्नटेड लर्न कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ गिव मी योर हैंड्स डियर अब भाई वो कहती है मैंने ये चीज़ भी ईस्ट से ही सीखी है ऑफकोर्स उन लोगों को ये सब ट्रिक्स आती हैं और ये सब सिखाते हैं वो और उसके बाद वो अपना हैंड वही टेबल से बाहर मतलब खड़े होते हैं वो लोग और उसके माउथ में अभी भी सिगरेट होती है और वो उसको क्या कहती है मिसेस पियर्सन को गिव मी योर हैंड्स मुझे अपने हाथ दो ठीक है मिसेस पियर्सन डब्बियसली अभी भी वो बेचारी डाउटफुली थोड़ी कन्फ्यूज है वेल आई डोंट नो इज़ इट राइट कहती है मुझे नहीं पता कि पता नहीं ये सही है या गलत है मिसिज फटजरॉल इट्स ओनली योर इट्स योर ओनली चांस देख लो ये तुम्हारा लास्ट चांस है देख लो तुम्हें अपनी फैमिली को सुधारना है या नहीं सुधारना गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट मुझे अपना हाथ दो और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रहो जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी और कुछ भी मत सोचो और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है नाउ लुक एट मी और उसे कहती है मेरी तरफ देखो दिस चेयर एट ईच अदर अब वो दो, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं अब वो मटरिंग मं, कुछ मंत्र पढ़ती है कौन मिसेस फजराल एंड व्हाट वाज दैट मंत्र अर्षटाटा दम अर्षाटा लम अर्षाता लम, लम दम बोना ये कुछ मंत्र है भाई उसका मैजिकल स्पेल है जो वो बोलती है जिससे कि उनकी सोल्स क्या हो जाएंगी एक दूसरे में चली जाएंगी सो so, फिर से हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप इस प्ले को इनेक्ट uh, करो ड्रामा को स्टेज uh, के ऊपर तो ये सीन बड़ी केयरफुली आपने एक्ट करना है वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडी अब यहाँ पे हमने एज्यूम करना है कि जो पर्सनालिटीज़ हैं मतलब जो एक दूसरे की सोल हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं आफ्टर द स्पेल हैज स्पोकन और स्पेल ये जो मंत्र है ये बोलने के बाद बोथ वुमेन स्टिल गास्पिंग हैंड्स दोनों की दोनों वुमेन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई हैं अभी भी बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं उनकी बॉडी एकदम से लूज हो चुकी है रिलैक्स हो चुकी है ये मंत्र पढ़ने के बाद एज़ इफ द लाइफ वर आउट ऑफ दैम जैसे कि दोनों की दोनों से लाइफ एक के निकल के दूसरे में जा रही है और दूसरे के निकल के पहले वाली में लाइफ जा रही है देन बोथ कम टू लाइफ फिर अचानक से दोनों के अंदर वो लाइफ आ जाती है मतलब मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जरल्ड चली जाती है उसकी आत्मा चली जाती है और मिसेस फिज्जरल्ड के अंदर मिसेस पियरसन की बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर ईच मस्ट ट्राई टू the वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर अब दोनों के दोनों के अंदर वो वॉइस और उनके मैनरिज्म आ, आ जाते हैं सो so now मिसेस पियर्सन अब मिसिस पियर्सन क्या बन गई हैं बोल्ड और डोमिनेटिंग जो कि क्या थी थोड़ी सी डर के थोड़ी सी सेमी सेमी सी और वरिड रहती थी अब वो क्या बन चुकी है बोल्ड और डोमिनेटिंग बन चुकी है और मिसेस फेडजराल नर्वस और फ्लटरिंग बन चुकी है क्लियर हो गई बात समझ में आ गई बेटे यहाँ पे दोनों की पर्सनालिटीज इंटरचेंज हो चुकी है अब जो मिसेस पियर्सन है उसके अंदर कौन आ चुकी है मिसेस फेट्जरल्ड की पर्सनालिटी आ चुकी है उसकी सोल आ चुकी है तो वो बोल्ड और डोमिनेटिंग बन चुकी है और मिसेस फटजराल मिसेस पियर्सन की तरह नर्वस और फ्लटरिंग बन चुकी है क्लियर हो गई बेटे आगे देखते हैं अब दोनों की पर्सनालिटीज चेंज हो चुकी हैं अब मिसेस पियर्सन जहां पे मिसेस पियर्सन है ध्यान रखना वहां पे मिसेस फटज की सोल बोल रही है क्लियर होगी बच्चे बात आगे देखते हैं मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फेटजरल पर्सनालिटी उसने बता भी दिया मिसेस पियर्सन जिसके अंदर अब कौन किसकी पर्सनैलिटी आ चुकी है मिसेज फेडजरॉल्ड की पर्सनैलिटी आ चुकी है अब ध्यान से आगे चैप्टर एक नया मोड ले रहा है एक नया यहाँ से चेंज होगा देखते हैं वो क्या चेंज होगा

और अपने खुद के मुंह में डाल लेती है और उसको पर्फ करती है मतलब जैसे सिगार करते हैं ना बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ उसको मुंह में लेती है किसको सिगरेट को मिसेस फिटजरल्ड नाउ विद मिसेस प्यरसन पर्सनालिटी लुक डाउन एट हर सेल्फ एंड सी दैट हर बॉडी हैज़ चेंज एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट अ मिसेज फिटजराल्ड जो कि मिसिस पियर्सन की पर्सनैलिटी के साथ है वो अपने आप को देखती है अपनी बॉडी को देखती है वो सब चेंज हो चुकी है और एकदम से डर से चीख मारती है मिसेस फर्जरार जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी वाली है ओ इट्स हैपेंड ओह ये देखो ये हो गया ठीक है अब आगे आगे देखते हैं मिसेस पियर्सन कॉम्प्लेसेंटली कॉम्प्लेसेंटली का मतलब क्या होता है बड़े सेल्फ सेटिस्फाइड होते हुए क्या बोलती है भाई ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड मिसेस पियर्सन यहाँ पे कौन है मिसेस फर्जरार की पर्सनैलिटी वाली कहती है हाँ ये हो गया होना ही था ये नेचुरल सी बात है वेरी नीटली बड़े आराम से डिडेंट नो आई हैड इट इन मी मुझे नहीं पता कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ थी मुझे चीज मैं ये कर सकती थी, थी अच्छे तरीके से मेरे अंदर ये पावर थी बॉडीज़ को इंटरचेंज करने सोल को इंटरचेंज करने की अब मिसेस फटजल जो कि मिसेस प्यर्सन है एक्चुअल में वो अलार्म है मतलब एकदम से थोड़ी सी स्केयर्ड है डरी हुई है बट वॉट एवर शेल आई डू मिसेज फटज लेकिन अब मैं क्या करूँ मिसेज फटजल यानी कि जो एक सच में मिसेस फिटजराल है क्लियर हो रही है बेटे बात यहाँ पे ये यह मिसेस फिटजराल किसकी पर्सनालिटी वाली पियर्सन वाली और ये मिसेस फिटजराल कौन जो कि पियर्सन की बॉडी के अंदर चली गई है ठीक है क्लियर हो गई बात इंटरचेंज कर लेना समझ आना चाहिए अब मिसेस फिटजराल कौन है पियर्सन है और यहाँ पर ये यह फिटजराल वही है अब वो उसे क्या कह रही है कह रही है कि लेकिन मैं क्या करूँ जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैंट मी सी लाइक दिस जॉर्ज मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे ऐसे नहीं देख सकते मिसेस पियर्सन यानी कि जो मिसेस गोइंग टू चिंता मत करो तुम यहीं पे तो तो अब दे नो इट ठीक है अब उनको मेरे साथ डील करने दो उनको कुछ नहीं पता चलेगा उनको कभी पता ही नहीं चलने वाला कि ये क्या है ठीक है ये yes. उनको नहीं पता चलेगा कि भाई क्या हुआ है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है तुम चिंता मत करो अब मिसेस फटजराल अभी भी अलार्म है थोड़ी सी डरी हुई है बट वाट इफ वी कैन चेंज बैक इट वुड बी टेरिबल लेकिन अगर हमारी बॉडीज मतलब हमारी सोल दोबारा से इंटरचेंज नहीं हुई तो तो बहुत बेकार हो जाएगा गलत हो जाएगा बहुत कुछ मिसेस पियर्सन हेयर स्टडी मिसेस पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडेंट बी सो बैड अब मिसेस फटजराल जो है एक्चुअल में जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में है वो कह रही है मिसेस पियर्सन अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़े तो वो इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम कह रही हो कि बहुत ख़राब हो जाएगा इट वुड हैव यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू तुम्हारा वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फन देखने को मिलेगा मतलब तुम मेरी लाइफ जब जियोगी ना तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी ठीक है ना जितने कि तुम्हें अपनी लाइफ जीने में भी नहीं मिलनी ठीक है तो वो उसको बता रही है आगे देखते हैं मिसेस फटजराल येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स अब मिसेस फिटजराल कहती है वही जो मिसेस पियर्सन है कहती है मैं लेकिन कोई और क्यों बनना चाहूँगी मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की ज़िंदगी जीऊँ मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग इट्स ईजियर चेंजिंग बैक आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट अब तुम ये चिंता करनी बंद कर दो बहुत आसान है चेंज करना मैं कभी भी इसको चेंज कर सकती हूँ अपनी बॉडीज को अपनी सोल्स को इंटरचेंज कर सकती हूँ तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है ठीक है मिसेस फटजराल वेल डू इट नाउ अब मिसेस फटजराल जो कि एक्चुअल मिसेस पियर्सन है वो कहती है ठीक है तो फिर तुम अभी करो चेंज ठीक है तो वो भाई डरी हुई है बंदी वो नहीं चाह रही कि भाई ऐसा हो तो वो वापस से कहती है कि चेंज कर दो अब मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली नहीं अभी नहीं आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट पहले तुम्हारे मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ डील करना है उसके बाद ही ये होगा दैट्स द आइडिया यही आइडिया था ना याद करो अभी हमने पहले यही तो बात करी थी तो तुम अब एकदम से ये क्यों कह रही हो चेंज कर दो uh, Didn't नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सेट याद करो तुमने ही कहा था मुझे नहीं पता कि मैं इनके साथ कैसे शुरू करूँ कैसे इनको चेंज करूँ वेल आई शो यू वेल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इनके साथ कैसे सलूक करना है इनके साथ कैसे बिहेव करना है ताकि ये लोग चेंज हो मिसेज फ्यूचर बट वट आम आई गोइंग टू डू लेकिन मैं क्या करूँ अब मुझे क्या करना है आगे मिसेज पियर्सन गोइंग टू हाउस तुम बस मेरे घर में जाओ थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है देन पोप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे वापस आ जाना पोप बैक वाला वापस आ जाना रिटर्न आ जाना और देखना छुप छुप के कि भाई हम लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हैं यू ओट टू इन्जॉय इट तुम्हें पक्का मजा आने वाला है ये के कि मैं यहाँ पे इनके साथ कैसे बिहेव करती हूँ इनको कैसे सीधा करती हूँ बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स अभी यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए मिसेस फटजाल नर्वसली बड़ी डरते हुए नर्वस होते हुए वहाँ से उठती है यस आई सपोज दैट्स द बैट हाँ मुझे लगता है कि यही सही है मुझे जाना चाहिए यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट तुम श्योर हो ना कि सब कुछ ठीक होगा मिसेस पियर्सन चकलिंग हंसते हुए इट विल बी वंडरफुल चिंता मत करो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है नाउ ऑफ यू गो डियर अब तुम जाओ फटाफट से ठीक है अब मिसेस मिसेज फटजराल हर इज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेज स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिन स्लिंग आउट ऑन द कार्ड्स आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल अब मिसेस फर्जराल क्रॉसेस मतलब वही जो पेयर्सन है वो वहाँ से जाती है ठीक है और उसके बाद अब वो रह गई है मिसेस पियर्सन वहाँ पे अकेली जो कि एक्चुअल में मिसेस फटजराल की पर्सनालिटी वाली है वो दोबारा से स्मोकिंग करती है अपनी एक और सिगरेट निकालती है और आराम से सोफा पे लेट जाती है आराम से बैठ जाती है बिल्कुल पेशेंटली बॉडी कार्ड्स को वहाँ पे रख के आराम से बैठी हुई है ओके बेटे तो अब उसके बाद सीन चेंज होगा यहाँ पर किसी की एंट्री होगी इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टिल देन आ, रीड दस जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना रीड करो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक करना थैंक यू